ये एक बड़ी खबर आपको बताना चाह रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज भारत के लिहाज से सीधा है। हमला होने के बाद यूक्रेन के राजदूत ने की पीएम मोदी से अपील, मोदी पावरफुल नेता हैं, चाहे तो युद्ध रोक सकते हैं, मोदी जल्द से जल्द पुतिन से बात करें। यूक्रेन के राजदूत के अगर शॉर्ट्स होते तो भारत के रूस से अच्छे संबंध हैं, यूक्रेन ने यह कहा। संबंधों के दम पर मोदी युद्ध रोक सकते हैं, यूक्रेन ने यह कहा। यूक्रेन को भारत पर सबसे ज्यादा भरोसा। इंडिया इज द पावरफुल ग्लोबल प्लेयर, इंडिया शुड फुली अस्यूम इट्स ग्लोबल रोल। मोदी जी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यू नो दैट यू हैव स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया। आई डोंट नो हाउ मैनी वर्ल्ड लीडर्स पुतिन मे लिसन टू, बट द स्टेटस ऑफ मोदी जी मेक्स मी होपफुल। यूक्रेन के राजदूत ने पीएम मोदी से मांगी मदद, कहा भारत पावरफुल ग्लोबल प्लेयर है, पुतिन को रोकने में करे मदद। भारत में यूक्रेन के राजदूत ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा है कि भारत इस समय पावरफुल ग्लोबल प्लेयर बन चुका है और उसे इस मुद्दे पर रूस के राष्ट्रपति से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के बीच अच्छे संबंध हैं, ऐसे में हमें यकीन है भारत के प्रधानमंत्री की बात रूसी राष्ट्रपति जरूर सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि इस समय यूक्रेन में जिस तरह के हालात बन चुके हैं उसे देखते हुए हम भारत से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हैं। भारत अब पावरफुल ग्लोबल प्लेयर है, ऐसे में भारत को दूसरे बड़े देशों की तरह ही इस मामले में अपनी भूमिका दिखाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक है, उनका सभी देश के नेता पूरा सम्मान करते हैं, भारत के रूस के साथ काफी अच्छे संबंध हैं। यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कहा, मुझे नहीं पता कि इस मुद्दे पर दुनिया के कितने देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति से कहे कि वह अब रुक जाए। रूसी सैनिकों ने गुरुवार को यूक्रेन पर हमला किया और एक साथ 11 शहरों को निशाना बनाया। इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा और प्रतिबंधों को नजरअंदाज करते हुए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अन्य देशों को चेतावनी दी कि रूसी कार्रवाई में किसी प्रकार के हस्तक्षेप के प्रयास के ऐसे परिणाम होंगे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होंगे। अल सुबह केव, खारकेव, ओडेसा एवं यूक्रेन के अन्य शहरों में बड़े धमाकों की आवाज सुनी गई। वही दुनिया के कई देशों के नेताओं ने रूसी आक्रमण की निंदा की, जिससे बड़ी संख्या के जानमाल का नुकसान हो सकता है। पूरे विश्व में भारत की जो इमेज डेवलप हो रही है, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।